आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले आज बहुत बड़ी दिन है और सभी को जो है मेरे तरफ से, अविनाश राज की तरफ से जो है, सभी को ईद मुबारक हो। भाइयों, आप देखते हैं समाज में जो हमारी इस दिन में आज कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, समाज में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है और एक दूसरे को लोग जो है पता नहीं, मतलब भाईचारा क्यों नहीं बढ़ रहा है और भाईचारा जो है घटता जा रहा है। अब देखिए, ईद के मुबारक में मान लीजिए मैं एक ऐसे ही, मैं ईद के मुबारक में जो सभी लोग दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, तो भगवान जी जो है, हम लोग भगवान मानते हैं, हिंदू जो भगवान मानता है और जो है अल्लाह, तो दोनों के ईश्वर, दोनों ईश्वर हैं, दोनों शक्तियाँ एक है। तो भगवान जी जो कहते हैं, भगवान जी जी जो अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह भाईजान ईद मुबारक हो। फिर अल्लाह जी भगवान कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी ईद मुबारक हो। तो अब दोनों आपस में गले मिलते हैं और दोनों कहते हैं कि अरे यार, हम लोग महाशक्तियाँ हैं और एक हैं, अगर हम लोग आपस में झगड़ने लगेंगे तो ये मानव जो है, मनुष्य जो है कहाँ जाएगा, मनुष्य क्या करेगा। मनुष्य को क्यों नहीं समझते हैं कि हम लोग, जब हम लोग शक्तियाँ हैं, पावर हैं, हम लोग एक हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं एक रहते हैं, क्यों भेदभाव करते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे के डिसीजन करते हैं। अब हम ये अभी आपने देखे भगवान और जो अल्लाह की दोनों जो कन्वर्सेशन जो है, जो बात हुई है, इसमें देखिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बतलाता हूँ। जैसे कि आपने समुद्र देखा होगा, महासागर है, समुद्र है, ज्वार है, भाटा है, नदी है, नल है, पानी है, और गिलास में जो है, एक जो है गिलास में जो है भी जो जल है, तो इसको जो मूल तत्व इसमें क्या है, पानी है। पानी को हटा दीजिए, किसी को आप नाम नहीं ले सकते हैं। उसी तरह जो है भगवान है, भगवान बोलते हैं, जैसे विभिन्न नाम के भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, तो इनका सभी का सोर्स क्या है, सभी का मूल तत्व जो है, सभी का मूल तत्व जो है इनविजिबल पावर, अदृश्य शक्ति, जिसे हम देख नहीं पाते, हम केवल बिलीव करते हैं, आस्था करते हैं। तो इस तरह की सारे तो सब सेम है, राम बोलो, रहीम बोलो, सारे तो सब सेम है। तो ये जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया जातिवाद, धर्मवाद की जो खामियाँ है, उसे दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आप ही से पूछता हूँ। अब देखिए, अब एक और देखिए कि अब इस मैक्सिमम पुरुषवादी मानसिकता में क्या होती है, कि मैक्सिमम पुरुषवादी मानसिकता में जो महिलाएं, उसे कमज़ोर नज़र आती है, महिलाओं को वो जो है वस्तु के रूप में देखता है। उसी तरह मैक्सिमम ब्राह्मण वर्ग से जो बिलोंग करते हैं हमारे भाई लोग, और जो उच्च वर्ग जाति बिलोंग करते हैं, वे जो है एससी और एसटी और ओबीसी को जो है, वे लोग जो भी कमज़ोर मानते हैं, उसको वस्तु मानते हैं। तो ये जो है, और इसको जो है ये रिजर्वेशन थोड़ा मैं कहीं भेज रहा हूँ वीडियो, जो ये जो रिजर्वेशन जो है, ये तो उसके तात्कालिक जो परिणाम है। आप इसी तरह विचारधारा जो है, विचारधारा रखने से क्या होता है, दिमाग स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें नो लॉजिक होता है दोस्तों। आप इसलिए उसको विचारधारा नहीं रखें, विचार रखें, और विचार जो, विचार से दिमाग स्वतंत्र होता है। अब जैसे कि एक कहते हैं, सभी का सम्मान करें, चाहे राम हो, रहीम हो, भगवान हो, अल्लाह हो, पैगंबर हो, गुरु नानक हो, बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे फिर अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे चपरासी से राष्ट्रपति तक हो, तो इसको समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे। समस्या का समाधान एक चीज़ मैंने जो सोचा है, वो हो सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सबके लिए निःशुल्क कर देनी चाहिए, ऐसा ही समाधान हो सकता है। थैंक यू और जय हिंद।